अब हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सी लैंग्वेज में सीखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी लैंग्वेज इनेबल द सी प्रोग्रामिंग टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट जो सी लैंग्वेज में आया है वो क्या है कि रन टाइम में मेमोरी को एलोकेट करने के लिए आया है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज सी लैंग्वेज इज पॉसिबल बाई फोर फंक्शन, और उसको एलोकेट करने के लिए हमारे पास चार फंक्शन है जो कि stdlib.h हेडर फाइल में होता है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के जो भी फंक्शन है उसको यूज करना है तो हमको stdlib.h हेडर फाइल को सबसे ऊपर ऐड करना पड़ता है। ये देख लीजिए चार फंक्शन है, मैलोक, कैलोक, रियलोक और फ्री। ठीक है, फ्री वाले के बारे में हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, फिर से भी पढ़ेंगे। जान लेते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या अंतर है। स्टैटिक में क्या होता है कि मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, इसको कंपाइल टाइम पर ही मेमोरी को एलोकेट कर दिया जाता है। और डायनेमिक में क्या होता है, मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम, इसे रन टाइम पर मेमोरी को एलोकेट किया जाता है। मेमोरी कैंट बी इंक्रीज वाइल एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, जो स्टैटिक मेमोरी में होता है वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब उसका मेमोरी का साइज को नहीं बढ़ाया जा सकता है। डायनेमिक में क्या होता है, मेमोरी कैन बी इंक्रीज वाइल एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, मेमोरी को जब प्रोग्राम रन होता है तब बढ़ाया जा सकता है डायनेमिक में। स्टैटिक को हम लोग एरे के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यूज एरे एरे में यूज होता है। और डायनेमिक हम लोग यूज करते हैं लिंक्ड लिस्ट में। लिंक्ड लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, तो हम लोग आगे जानेंगे ही, डाटा स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब। बढ़ते हैं आगे की ओर, पहले जानते हैं मैलोक फंक्शन क्या है। द मैलोक फंक्शन एलोकेट सिंगल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्ट मेमोरी। जो मैलोक फंक्शन क्या होता है कि वो जितना भी उसको साइज दीजिएगा तो वो एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी ले लेगा। इट हैज गार्बेज वैल्यू इनिशियली, इसका शुरुआती वैल्यू गार्बेज वैल्यू होता है जो भी ये ब्लॉक बनेगा। इट रिटर्न ए पॉइंटर ऑफ बाइट विच कैन बी कास्टेड इन टू पॉइंटर ऑफ एनी फॉर। ये क्या करता है कि वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है, जो कि किसी और डाटा टाइप में अगर कास्ट कीजिएगा तो आप वो उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। इट रिटर्न नल इफ मेमोरी इज नॉट सफिशेंट, यह नल रिटर्न करता है जब मेमोरी कम पड़ता है तब। सिंटेक्स है इसका, एक पहले कोई भी एक पॉइंटर ले लेंगे, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल बनेगा, फिर उसमें इनिशियलाइज करेंगे, इक्वल टू करेंगे, कास्ट टाइप लिखेंगे। मतलब कि ये जो मैलोक फंक्शन पॉइंटर रिटर्न करता है वाइट पॉइंटर, तो आपको किस डाटा टाइप के लिए चाहिए, इंट, कैर, फ्लोट, जिसके लिए भी चाहिए उसको लिए यहाँ पे कास्ट टाइप लिखते हैं। इंटीजर के लिए इंट लिखे, फ्लोट के लिए आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैलोक फंक्शन का नाम और यहाँ पे साइज इसमें पास करना है जो कि बाइट में पास करना रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए एक पॉइंटर वेरिएबल है इक्वल टू, और यहाँ पे कास्ट टाइप में इंटीजर टाइप का कास्ट टाइप किया गया है, और मैलोक लिखा गया है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर 8 लिखा गया, मतलब 8 बाइट का ही ये इंटीजर टाइप का वैल्यू को स्टोर कर पाएगा। यानी कि इंटीजर साइज 4 होता है तो ये 2 इंटीजर को ये होल्ड कर सकता है। आप जितना बाइट देना है उसमें दे सकते हैं, और आप ऐसे भी दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है एक पॉइंटर है जो कि फॉलोट टाइप का कास्ट टाइप किया गया है, या फॉलोट टाइप के वेरिएबल को स्टोर करेगा, मैलोक किया गया, फिर 100 इंटू साइज ऑफ फ्लोट कर दिया। मतलब कि साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में पहले पढ़ते तो बताता था कि इसका साइज जो भी हमारे पास इंटीजर फ्लोट है उसका साइज कितना है, साइज ऑफ की मदद से निकल जाएगा। और यहाँ पे 100 इंटू साइज ऑफ फ्लोट कर दिया, मतलब कि जितना भी फ्लोट का साइज उसमें 100 से गुना कर दो और उतना उसका साइज एक ब्लॉक मेमोरी ब्लॉक बनाता है, इकट्ठे ही एक लाइन से ही है मेमोरी ब्लॉक बनेगा, ठीक है। फ्री फंक्शन क्या है, डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी क्रिएटेड विद आइदर कैलोक और मैलोक डज नॉट गेट फ्री ऑन दियर ऑन, यू मस्ट एक्सप्लिसिटली यूज फ्री टू रिलीज द स्पेस। जब हम कैलोक या मैलोक की मदद से मेमोरी को एलोकेट करते हैं, जब उसका काम होता है तो हम उसको फ्री कर देते हैं, तो फ्री लिखेंगे, फिर उसके अंदर उस पॉइंटर को पास कर देंगे जिस पॉइंटर की मदद से हमने कैलोक या मैलोक को बनाया था। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दोनों हेडर फाइल है stdio.h और stdlib.h, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक इंटीजर टाइप का ar नाम का पॉइंटर हमने बनाया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग मेमोरी को एलोकेट करेंगे, तो जो हमने ar नाम का पॉइंटर बनाया है उसको लिखेंगे यहाँ पर कि इक्वल टू किस टाइप का हमें डाटा को स्टोर करना है। तो इंटीजर के लिए तो int लिखेंगे, फिर पॉइंटर का सिंबल nst का सिंबल देंगे, फिर मैलोक की मदद से हमें ऐड करना तो मैलोक करेंगे, फिर इसके बाद
कितना करना है, तो या तो बाइट्स में दे सकते हैं या 3 इंटू साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट यहाँ पे लिखा है, मतलब साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद मतलब से इंटीजर का साइज वो निकाल लेगा। अगर 3 से यहाँ पे गुणा कर दिया गया है तो इंटीजर का 3 साइज जितना यहाँ पे मेमोरी को वो ऑक्यूपाई करे उतना ब्लॉक ऑफ मेमोरी बना देगा, ठीक है। और एक यहाँ पर कंडीशन लगा दिया, इफ ए आर आर लिखा है, मतलब जो ये पॉइंटर है अगर ये नल होता है तब एक मैसेज प्रिंट कर दो, मेमोरी एलोकेशन फेल्ड फेल्ड हो जाएगा, और यहाँ पर रिटर्न वन लिख दिया गया। रिटर्न वन का मतलब यहाँ पर है कि एग्जिट विद एन एरर कोड, ये यहीं से प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, साथ में एक एरर कोड भी जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉइंटर नल रहा किसी कारण, बस मेमोरी वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, ठीक है। और इसके बाद क्या किया हम, एक यहाँ पे जो साइज हम एलोकेट किए उसमें हम लोग एक एरे बनाएंगे। यहाँ पर फॉर लूप लिखा, i=0, i<3, i++ किया, फिर क्या किया, arr i, मतलब इस जो भी एरे है यहाँ पे जो एरे बना रहे हैं, और i जो भी इंडेक्स होगा इक्वल टू i(2) कर दो, मतलब कि जिस भी इंडेक्स पर होगा i में 2 से गुणा कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एरे को प्रिंट कर दिया गया। जब ये दोनों काम हो गया है तो यहाँ पे मेमोरी को डी एलोकेट कर दिया गया, फ्री लिखकर यस पॉइंटर का नाम जो कि arr है। एग्जाम्पल में भी हम लोग देखते हैं, एक यहाँ पर फाइल बनाएंगे मेमोरी ex.c के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा हैच इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच, ठीक है। फिर इसके बाद हैच इंक्लूड stdlib.h, फिर उसके बाद इंट मैन रिटर्न 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंटर बनाना है, तो मैं इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाता हूँ, स्ट्रिंग का सिंबल दिया, ptr लिख देता हूँ, ठीक है। इंटीजर टाइप का एक ptr नाम का पॉइंटर बनाता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग इस पॉइंटर को पकड़ेंगे और हम इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, कास्टी करेंगे, किस टाइप के जो मेलो के फंक्शन से किस टाइप के डाटा टाइप को इसमें ऐड करना है। तो इंटीजर टाइप का इंटीजर स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर हमने बनाया है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मैलोक फंक्शन लिखूंगा मैलोक, और यहाँ पे साइज इन बाइट्स दे सकते हैं, आपको पता है इंटीजर 4 बाइट लेता है, 3 स्टोर करना तो डायरेक्ट 12 दे सकते हैं, कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कितना, क्योंकि इंटीजर हो गया चाहे कोई भी होगा डाटा टाइप का साइज उस मशीन पर डिपेंड करता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 इंटू साइज ऑफ लिख दीजिए। और इंटीजर टाइप के ना डाटा टाइप का के लिए हम लोग करें तो int लिखेंगे, तो आपके मशीन के साइज के अनुसार 3 इंटीजर टाइप के पॉइंटर को होल्ड करने के लिए वो साइज ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन है इफ ptr इक्वल टू नल, अगर पॉइंटर हमारा नल हो गया तो एक मैसेज प्रिंट कर दो, प्रिंट नॉट मेमोरी एलोकेटेड, नए लाइन के लिए बैक स्लैश एन, और यहाँ पे क्या करना है रिटर्न कर दो, Return 1 कर दो, तो एरर कोड के साथ ये रिटर्न यहीं पे एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे इंट लिखूंगा, इंट i=0, ठीक है। i<3 करूँगा, i++ कर दूंगा, यहाँ पे करूँगा इस ptr को पकड़ूंगा ptr, फिर इसमें i पास करूँगा, ठीक है, इक्वल टू करूँगा i(2) कर दूंगा, तो क्या करेगा, पॉइंटर के जो भी आई इंडेक्स वो होगा, मतलब सबसे पहले 0 इंडेक्स आएगा तो 0 में 2 गुणा करो, फिर ये जब बढ़ेगा तो 1 आए तो 1 में 2 से गुणा करो, जो भी है गुणा करते जाएगा। फिर इसके बाद इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग इसी लाइन को सेम यहाँ से कॉपी कर कर पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे बस प्रिंट टाइप कर दूंगा, इंटीजर टाइप का है तो फॉर्मेट ऐसे %d, फिर ptr, और इसमें आई पास कर दूंगा, ठीक है। जब ये इसका काम हो जाएगा इस मेमोरी का तो हम लोग इसे फ्री कर देंगे, डी एलोकेट कर देंगे फ्री, और इसके अंदर पॉइंटर वेरिएबल जो हम लोग बनाए जो कि इसका नाम है ptr, तो ptr पास कर देंगे, सेव करूंगा और रन करूंगा, सारे एक ही में सटे आ गए। तो इसके लिए नए लाइन के लिए यहाँ पे बैक स्लैश एन कर दूंगा, तो हर स्टेप पर वो गुणा करते जाए, जब शुरू में 0 था तो 2 से गुणा किया तो 0 इंटू 2 तो 0 ही आ जाएगा, फिर 1 होगा आई का वैल्यू तो 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, फिर 2 होगा तो 2 से 2 में गुणा करेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग कैलोक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। द कैलोक फंक्शन एलोकेट मल्टीपल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्ट मेमोरी। ये क्या करता है कि मल्टीपल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्ट में जितना भी आप मेमोरी का ब्लॉक बनाएंगे तो वो एक बार में एक ही जगह इकट्ठे नहीं मेमोरी लेगा, मेमोरी में जहाँ जगह मिलेगा जहाँ मन तहाँ वो हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जबकि मैलोक में क्या था कि एक ही जगह ब्लॉक ऑफ मेमोरी लेता था जितना भी आप साइज देते थे। ये क्या कर रहा है कि मल्टीपल क्या करे ब्लॉक ऑफ मेमोरी, मतलब बहुत सारे जगह छोटे छोटे ब्लॉक में वो आपके मेमोरी लेगा। इट इनिशियली इनिशियलाइज ऑल बाइट टू जीरो, इसके सारे वैल्यू जीरो से इनिशियलाइज होंगे, ठीक है। इट रिटर्न ए पॉइंटर ऑफ वॉइड विच कैन बी कास्टेड इन टू पॉइंटर ऑफ एनी फॉर्म। ये भी वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है और इसको अभी आप कोई भी डाटा टाइप में कास्ट कर सकते हैं। और ये भी नल रिटर्न करता है अगर उसमें अगर मेमोरी सफिशियंट नहीं होता है तो। सिंटेक्स देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले पीटीआर है, पॉइंटर है, पॉइंटर इक्वल टू करेंगे, फिर कास्ट टाइप किस डेटा टाइप में आप चाहते हैं, ठीक है। फिर कैलॉग लिखेंगे, फिर उसके बाद नंबर दे देंगे, फिर कॉमा देकर बाइट इन साइज देना कि कितने साइज करेगा। तो नंबर में क्या है कि आप कितने नंबर चाहते हैं कि आपका मेमोरी एलोकेट हो, ठीक है। और साइज में क्या है कि कितने साइज का मेमोरी वो एलोकेट हो। अब एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे ARR इक्वल टू, फिर उसके बाद इंट स्टैक लिखा गया है, तो मतलब इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर करना है। कैलॉक लिखें, फिर यहाँ पे नंबर पास किया गया कि तीन इंटीजर पास करना है और जिसका साइज 4 हो। मतलब यहाँ पे सबसे पहले कोमा देकर करना, पिछले वाले में गुणा करते पर यहाँ पे कोमा देना, सेम वही फंक्शन रहेगा, ठीक है। बस पिछले वाले कोड में मैलोक की जगह यहाँ पे कैलॉक कर दूंगा और ये हटा दूँ। तो पहले में पास करना है कितने नंबर के आपको चाहिए वेरिएबल को स्टोर करना और कितने साइज, तो साइज के लिए 4 दे देता हूँ। सेव करूँगा और रन करूँगा, सेम आउटपुट आएगा, कोई समस्या नहीं। रीअलोक फंक्शन, रीअलोक इज ए मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन इन सी दैट अलाउ यू टू रिसाइज ए प्रीवियसली एलोकेटेड ब्लॉक ऑफ मेमोरी। री एलॉक एक मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन है, वो क्या करता है अलाउ करता है कि आप पहले से जो भी मेमोरी दिए हैं उसको रिसाइज कर सकते हैं। यू कैन यूज इट टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ मेमोरी ब्लॉक। जो पहले से आपने मेमोरी ब्लॉक बनाया है उसको आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उस पॉइंटर को पकड़ेंगे जिसको हमें बढ़ाना है, इक्वल टू करेंगे, फिर री एलॉक करेंगे, फिर पीटीआर उस पॉइंटर को इसमें पास करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा देकर न्यू साइज कितना साइज में बढ़ाना है या घटाना है। एक काम करूंगा इसे कट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा PTR इक्वल टू री एलोक लिखूंगा, ठीक है। और प्रीवियसली पॉइंटर जिसका हमें वैल्यू बढ़ाना है और उसे हमें कितना बढ़ाना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैलोक है तो 3 नंबर का बना, 3 बनाना था जो कि 4 साइज का होगा। तो आप ऐसा भी लिखते हैं, इंटीजर के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, तो आप कर सकते हैं 10 10 कर दो भाई, 10 के लिए स्टोर कर दो, इंटू कर दो साइज ऑफ इंट, ठीक है। इसमें पास करूंगा INT, तो ये क्या करेगा 10 इंटीजर के लिए स्पेस ए बढ़ा देगा। सेव करूंगा और रन करूंगा, ठीक है।